और कुछ और कोई सांप होता वैसे उठा लेता है जो लाल लाल इसमें हमें भी डर रहता है। साथियों नेचर विला में सांप निकल गया, गौरव भाई आ गए हमें लेने। बड़ी अच्छी और प्यारी जगह नेचर विला, चौथा या पांचवा हमारा चक्कर है वहाँ पर। मुलाकात तभी होती है जब सांप निकलता है, वैसे तो कोई किसी को हाय हेलो का मतलब नहीं होता। हम तो एक हमारी सोच इस जहरीले जीव को बचाने की कोशिश करते हैं, हम भी सुरक्षित रहें, सांप भी सुरक्षित रहे और जिसके घर में सांप है वो भी सुरक्षित रहे। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं हम नेचर विला सांप को पकड़ने। 91 में सांप है, मुझे तो कहीं बाहर निकल गया। साथियों ये कॉमन क्रैच सांप है, कोबरा से सात गुना ज्यादा जहर होता है। ये काट ले इसके काटने में कोई पता नहीं चलता। चींटी मक्खी मच्छर ज्यादा काटता है और रात को 11 बजे से लेकर सुबह 4 तक इसके रहता है शिकार के लिए। इसको शरण गिर कहते हैं। एक या दो इसने मेंढक के बच्चे यहाँ पर खा लिए हैं। अगर ये काट ले आप तुरंत अस्पताल जाएँ, किसी झाड़पुक के चक्कर में पड़े। ये हमारा भाई साहब वास तीसरा चक्कर है, वैसे तो मुलाकात नहीं होती परंतु सांप मुलाकात करा देता है। स्कूल में भी आए थे दो बार। क्या खुली है? ये खुली है, इसने कुछ खा रखा है। ये क्रैच सांप साइलेंट किलर, काट ले तो आदमी की मौत निश्चित है क्योंकि इसके काटने का पता नहीं चलता। उसको सुरक्षित यहाँ ले आए, उसको सुरक्षित छोड़ दें। ये आप देख सकते हैं कि ये ओए भाई ये तो बहुत तगड़ा भाग रहा है यार। ये सांप अभी अभी पकड़ा गया है। सांप को उसके प्रकार छोड़ दिया गया, सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करे। सांप जितना छाड़ को दे हमें सुबह सफाई कराओ इसकी। सफाई करवा दी जी निकला कहीं से ना। साथियों ये आधे घंटे के अंदर दूसरा क्रैच सांप है, कॉमन क्रैच। ये काट ले तो आदमी की मौत निश्चित है क्योंकि इसके काटने का पता नहीं चलता। चींटी मक्खी मच्छर की तरह ये काटता है। हमारे वॉशिंग मशीन में गैस नीचे, कुकर कूलर के नीचे और रात को 11 बजे के सुबह 4 तक सके रहने वाला सांप है। ये देखिए काट ले तो आप तुरंत अस्पताल जाए, किसी झाड़ू के चक्कर में पड़े। घबरा मत बिल्कुल भी, मैंने पकड़ रखा इसको। कौन बाबा तन है भाई यहाँ जानते। मैं राकेश लोधी पहले भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आकर रात में यहाँ सांप पकड़ के और भाई मुक्त किया है घर वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद घर वालों की तरफ से भी, हम सब की तरफ से। साथियों आधे घंटे के अंदर ये 200
रख रहा सांप है, वो सीढ़ी के नीचे था और ये सांप जो है मशीन के अंदर बैठ रख रहा था काट ले, तो आदमी का बचना मुश्किल। खतरनाक सांप चलती सांप से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना एक्सपर्ट को दे, वन विभाग को दे या हमें दे, ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको या सांप को खतरा हो। आप सांप देखें तो घबराएं नहीं, रेस्क्यूअर को सूचना दें और सांप से निश्चित दूरी बना के रखें।